शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला आज के पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक जाना माना चेहरा है। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मानसा में जन्मे, गांव मूसा में पिता भोला सिंह एंड माता चरण कौर के घर सिद्धू मूसेवाला सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, देश विदेश में जहां जहां पर भी पंजाबी गीतों को सुनने वाले लोग मौजूद हैं, उन सब में एक जाना माना चेहरा है। अपनी जिंदगी में ठोकर खाने के बाद कैसे सिर्फ अपने दम पर वह अपना नाम कमाने में कामयाब हो सके, ये सिद्धू से सीखने वाली बात है। वह कैसे इस मुकाम तक पहुँचे ये जानने के लिए प्लीज वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। सिद्धू ने अपनी स्कूलिंग SVM स्कूल मानसा से पूरी करी है एंड अपनी ग्रेजुएशन गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सिद्धू ने गाना सुनना 6th क्लास से शुरू कर दिया था। उन्हें बचपन से ही सिंगर बनने की चाह थी कि वह भी एक दिन अपना गाना रिकॉर्ड करेंगे। सिद्धू ने सिंगिंग की क्लासेस तो अपने गुरु हरविंदर बिट्टू जी जो कि लुधियाना में मौजूद थे उनसे सीखी तो थी, पर वह गाना लिखना नहीं जानते थे। जब भी वह किसी राइटर या लिरिसिस्ट के पास जाते ताकि वह उनसे कोई सॉन्ग प्राप्त कर सके, वह राइटर लिरिसिस्ट उनसे इतनी हैवी अमाउंट की डिमांड करते जो कि एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं थी। तभी उन्हें एक दिन एक पंजाबी लिरिसिस्ट का फोन आया जिसने सिद्धू से कहा कि मैं उनको सॉन्ग प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे सिद्धू के मन में कुछ उम्मीद जागी कि अब वह भी अपना सॉन्ग रिकॉर्ड कर पाएंगे। लेकिन उस लिरिसिस्ट ने सिद्धू को खूब चक्कर कटवाए, कभी कहीं बुलाया तो कभी कहीं, पर सॉन्ग के लिरिक्स नहीं प्रोवाइड करवाए। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन उस सिंगर का फोन आया, तभी उन्होंने सिद्धू से कहा कि तुम एक काम करो, तुम मेरे गांव आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ सॉन्ग के लिरिक्स दे दूंगा, जिससे सुनकर वह इतने खुश हुए कि अपनी बाइक में बैठकर वह उस गीतकार के गांव की तरफ रवाना हो गए कि अचानक मौसम खराब होना शुरू हुआ। मौसम खराब होते ही बारिश शुरू हो गई। भीगते भिगाते वह उस गीतकार के गांव तक पहुंचे। वहां पहुंचते ही जैसे ही सिद्धू ने उन्हें फोन लगाया कि मैं यहां पर मौजूद हूं, आप बताइए मैं आप तक कैसे पहुंच सकता हूं। इतने में ही उस गीतकार ने उन्हें कहा, मेरा आज मिल पाना मुश्किल है, एक काम करो तुम वापस चले जाओ। यह सुनकर वह इतने निराश हुए कि सिद्धू ने तय कर लिया कि वह ना तो आज के बाद वह किसी से कोई उम्मीद रखेंगे लिरिक्स मिलने की और ना ही किसी के द्वारा लिखे गए गानों को कभी गाएंगे। अपने हॉस्टल में आने के बाद वह खुद अपने लिए लिरिक्स लिखना शुरू हुए। शुरुआत में तो ऐसा कर पाना कठिन था, लेकिन वह लिरिक्स लिख पाने में कामयाब हो सके, जिसके बाद एक दिन उनकी मुलाकात पंजाबी गायकी के सरताज निंजा से हुई, जिन्हें सिद्धू के द्वारा लिखा गया सॉन्ग लाइसेंस इतना पसंद आया कि उन्होंने सिर्फ उसे पसंद ही नहीं करा, गाया भी। सॉन्ग बहुत हिट साबित हुआ, जिसके बाद सिद्धू ने कई संगीतकारों के लिए गीत लिखे, जिससे वह पंजाबी इंडस्ट्री में कुछ हद तक कामयाब हो सके। लेकिन वह शुरू से एक संगीतकार बनना चाहते थे, ना कि गीतकार। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद वह कनाडा चले गए, जहां से संगीतकार के रूप में उन्होंने अपनी शुरुआत करी। सिद्धू ने अपना पहला सॉन्ग जी वैगन रिलीज करा, जिसके बाद सिद्धू ने कई दमदार सॉन्ग अपने ऑडियंस को दिए, जैसे मस्टैंग, लाइफस्टाइल, इस्सा जट, सिद्धू के करियर का सबसे हिट सॉन्ग साल 2017 का रहा सो हाई, जो आज हर किसी की प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिनका भी टेस्ट म्यूजिक में सबसे अलग है। सॉन्ग सो हाई के कारण वह साल 2017 में ही ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड के द्वारा बेस्ट लिरिसिस्ट के अवार्ड से भी नवाजे गए। साथ ही वह साल 2018 में PTC पंजाबी म्यूजिक अवार्ड्स में भी नॉमिनेट हुए बेस्ट न्यू एज सेंसेशन अवार्ड के लिए अपने ट्रैक इस्सा जट के लिए। साल 2018 में ही सिद्धू ने अपनी पहली डेब्यू एल्बम रिलीज करी PBX1। एल्बम बहुत हिट साबित हुई, जिसके कारण वह बिलबोर्ड पर भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाए, जिसके कारण सिद्धू अगले ही साल 2019 में फिर ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड्स में नवाजे गए बेस्ट एल्बम अवार्ड के खिताब से। सिद्धू ने साल 2020 में अपना खुद का रिकॉर्ड लेबल लॉन्च करा 5911 रिकॉर्ड्स, जिसमें उन्होंने खुद के द्वारा गाए हुए ट्रैक्स रिलीज करे। सिद्धूस एंथम, माफिया स्टाइल, सिंगर आरनेत के साथ मिलकर गाया हुआ सॉन्ग पॉइजन, सोनी लगदी एंड होमिसाइड। पिछले साल 2020 में ही आया हुआ सॉन्ग जिसमें सिद्धू ने सिंगर अमृत मान के साथ कोलैबोरेट करा बम्बिया बोल, वह एप्पल म्यूजिक चार्ट्स में ट्रेंड करा,
नंबर 25 पर इंडिया में एंड नंबर 81 पर कनाडा में, जिसकी म्यूजिक वीडियो पर 24 घंटे में अकेले 10 मिलियन व्यूज रहे, यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा बार वीडियो देखा गया सिर्फ 24 घंटे के अंतराल के अंदर। सॉन्ग टॉप 5 ग्लोबल यूट्यूब म्यूजिक चार्ट्स पर भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। सिद्धू ने अपनी एक्टिंग करी की शुरुआत साल 2019 में आई मूवी यस आई एम स्टूडेंट से करी, उनके खुद के प्रोडक्शन कंपनी जेट लाइफ स्टूडियोज के द्वारा प्रोड्यूस हुई मूवी से। सिद्धू को आज किसी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, वह आज जिस भी मुकाम पर है सिर्फ अपने खुद की मेहनत के दम पर। कभी राइटर और गीतकारों के पास जाकर उनसे लिरिक्स प्राप्त करने के लिए, उनके गांव, ऑफिस या घर जाकर उनसे मिलने के बाद निराश होकर हॉस्टल वापस आने से लेकर बिलबोर्ड्स पर अपनी जगह बनाने में सिद्धू ने बहुत कुछ सीखा, देखा और पाया है। उनकी कहानी अपने आप में ही बहुत प्रेरणादायक है। That's all in this video. Thanks for watching. Please video को like and share जरूर करिएगा।